हाल ही में भाजपा के कद्दावर वरिष्ठ नेता नंदकुमार साय के कांग्रेस प्रवेश होने का मामला सामने है, जिसके चलते भाजपा के गलियारों में भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मामले में दुर्ग लोकसभा सांसद से पूछे गए सवालों में सांसद विजय बघेल ने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा उन्हें उचित स्थान दिया है। नंदकुमार साय की रीति नीति कांग्रेस से कभी नहीं मिलती, फिर भी क्यों कांग्रेस प्रवेश किया ये तो वही जाने। सम्मानी नेता हैं, और सिर्फ हमारे नहीं है, छत्तीसगढ़ के सम्मानी नेता हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां उनको भारतीय जनता पार्टी ने दी, चाहे राष्ट्रीय स्तर से हो चाहे राज्य स्तर पे हो। मध्य प्रदेश के समय भी उनको जब छत्तीसगढ़ राज बना तो उनको नेता प्रतिपक्ष का दायित्व उन्हें सौंपा, मतलब मुख्यमंत्री के समकक्ष नेता प्रतिपक्ष का पद होता है विपक्ष में, तो उस तरह के सम्मान दिए। लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया, इस सोच के साथ वो कांग्रेस का दामन थाम लिए, जबकि उनकी मानसिकता कहीं भी किसी कांग्रेस के रीति नीति से नहीं मिलती। कभी भी उस रूप में उनको हम लोग नहीं देखते, तो हमेशा से देश हित राष्ट्र हित में, और छत्तीसगढ़ का कैसे विकास हो, छत्तीसगढ़ के प्रति दर्द, छत्तीसगढ़ में शराबखोरी ना हो, छत्तीसगढ़ में सट्टा जुआ ना, अनेक बार उनसे चर्चा हुई। लेकिन आज जो सरकार शराबखोरी में मस्त है, सट्टा जुआ में मस्त है, गुंडागर्दी में है, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे सरकार की पार्टी में मिलना, कांग्रेस में मिलना, ये पता नहीं कौन सी सोच उनकी रही होगी, उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के, इस उम्र में आप इस निर्णय से आप स्वयं ही अपने नज़रों से गिर गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग आज प्रश्न लगा रहे हैं, आप जैसे लोग मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि मेरे दिल में उनके प्रति बहुत सद्भावना है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। मेरे आदरणीय हो, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। अभी देखिए बहुत सारे आएंगे, समय देखिए। अब हमारे कांग्रेस से बड़ा नेता आ रहे हैं, जो साफ सुथरे हैं, जो शुद्धिकरण चाहते छत्तीसगढ़ के, वो लोग आ रहे हैं।